हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं अपने सीटेट के दिसंबर 2018 के सीडीपी के सेक्शन के पेपर वन के पार्ट थ्री को। इससे पहले हम टू पार्ट्स इसके कवर कर चुके हैं, 10-10 क्वेश्चंस पर पार्ट हमने कवर किए हैं। और बिल्कुल जी, इसी के लिए हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को, और इसी के साथ अपने जो है ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाने वाले हैं, मींस 30 के 30 क्वेश्चंस क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक उन प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो जरूर से चाहिए वीडियो सेक्शन में एंड जाके देख लीजिए, एंड जरूर आपके लिए वो बहुत बेनिफिट करने वाले हैं आपका। और देखते हैं इसी के रिगार्डिंग 21st क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट रोल ऑफ Heredity and environment. अनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A child's ability to learn and perform is completely decided by the genes. सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है? नहीं जी, रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि बात की जा रही है ओनली डिसाइडेड बाय द जीन्स, कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स, तो ये रोंग है, मींस ओनली हेरिडिटी की बात आ रही है, रोंग ऑप्शन है जी यहाँ पे। नेक्स्ट है गुड केयर एंड न्यूट्रियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विद। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है? नहीं जी, रोंग है ये भी, ये बिल्कुल एक रॉन्ग आंसर है, आप सभी जानते हैं इसकी, तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, रॉन्ग है जी ये भी। लास्ट ऑप्शन ये भी अपने पास पेंडिंग है, तो वही आंसर होना चाहिए, सिंपल सी बात, देख लेते हैं। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरमेंट। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल राइट है जी, जो डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनमें से कुछ हेरिडिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एंड कुछ जो है उनमें से एनवायरमेंट से। आगे बढ़ेंगे 22nd क्वेश्चन की ओर, देखेंगे उसको भी, तो जरूर देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, मीन ये कौन सी एक ऑप्शन रोंग रहनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, तो बिल्कुल ये तो राइट ऑप्शन है कि दुनिया के बारे में वो ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये तो राइट है, अपने को तो एक रॉन्ग ऑप्शन बतानी है। नेक्स्ट है लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, की निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यही ऑप्शन राइट रहेगी, ऐसी कोई भी बात पियाजे ने की नहीं है। बाकी एक बार बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरमेंट, तो ये तो बिल्कुल राइट है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, और ये पियाजे ने बात भी कही हुई है कि बच्चे एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस करके नए ज्ञान को खोज लेते हैं और नए ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, ये भी हम जानते हैं कि विकास इसके अकॉर्डिंग जो है 4 क्वालिटेटिव स्टेजेस में से होता है, तो वो भी एक बिल्कुल ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23rd क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है, तो देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, देखो यही प्री ऑपरेशनल थॉट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए, और बाकी बिल्कुल है इसमें, इगोसेंट्रिक बच्चे होते हैं इस टाइम में, इरिवर्सिबिलिटी भी बच्चों में पाई जाती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है ना कि बच्चे जिस कार्य को सीधे तरीके से कर सकते हैं उसी को रिवर्स करके भी कर सके, तो ऐसी एबिलिटी भी बच्चों में नहीं होती। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति बिल्कुल आ जाती है, बट सिम्बोलिक थॉट्स इस अवस्था में नहीं होंगे, वो लास्ट वाली स्टेज में ही देखने को मिलने वाले हैं, मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Play has a significant role in development of young children for the following reasons, except dash के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, means एक के अलावा बता रहा है, एक except। First है it stimulates their senses, कि वह उनकी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को उत्तेजित करता है। Second है कि it is just a pleasant way टू स्पेंड टाइम, कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। नहीं जी, ये कहां से एक राइट ऑप्शन होगा? प्ले वाइगोत्स्की ने भी एक इंपॉर्टेंट प्ले की जो है काफी एक इंपॉर्टेंट रोल के तौर पे माना है, वाइगोत्स्की ने भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में बताते हैं वाइगोत्स्की बच्चे की लाइफ में
और बिल्कुल जी, यहाँ पे एक जो एक समय बिताने का एक अच्छा साधन है, एक सुखद तरीका है, तो ये रोंगा आपके ऑप्शन रहेगा। बाकी भी देख लेते हैं, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम। बिल्कुल ये भी एक राइट ऑप्शन है कि वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। लास्ट कि दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, वे अपनी शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भी एक बिल्कुल बेस्ट आंसर रहेगा। और बाकी ऑप्शंस बेस्ट यहाँ पे नहीं हो रखी हैं, मींस एक ही ऑप्शन थी ना जो इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल बेस्ट थी, तीन की तीन वो अपने लिए राइट थी और एक ही बताना था वो अपने को मिल चुका है जी। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? व्हाट इज द राइट आंसर, कि सही जवाब क्या है? नहीं जी, मींस कुछ बच्चों को क्रिटिकली सोचना पड़ेगा ना, ये तो सिंपल है। यहाँ पे क्या कुछ आ रहा है कि व्हाट इज द राइट आंसर, ये तो सिंपल है ना। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, और विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो यही ऑप्शन एक बिल्कुल बेस्ट रहेगा, जहां पे बच्चों को कुछ क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बात कुछ एक अलग टाइप से बोली जा रही है ना, एक कुछ एक वाक्य में लग रहा है कि इस ऑप्शन को बिल्कुल राइट ठहराने वाले हैं कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 26th क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। और बिल्कुल जी, आप एक स्क्रीन पे, काफी बढ़िया क्वेश्चन था और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपको इन्हीं में से बताना होगा, और देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन जो जा रहा है ना जी अपने लिए राइट, फोर्थ ऑप्शन, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। यही ऑप्शन जो है एक बिल्कुल एक बेस्ट आंसर के आधार पर है, कि लर्निंग बाय डूइंग करना, बच्चे खुद करके सीखें, प्रोजेक्ट मेथड के आधार पर सीखें और कोऑपरेटिव लर्निंग दूसरों के सहयोग से सीखें, तो बिल्कुल एक बेस्ट आंसर यही रहेगा। और बिल्कुल चोंडी इसी के आधार पे ही बात करते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षा की ओर से एक और क्वेश्चन अपने सामने देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? फर्स्ट है, स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नहीं जी, ये कहां से ऑप्शन राइट होगी जी, ये तो रॉन्ग है। एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि जो स्कूल्स में एजुकेशन दी जा रही है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करे सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड को। बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन और काफी बढ़िया क्वेश्चन, और प्रॉपर अपने को सीख भी तो मिलती है ऐसे क्वेश्चन से। और नेक्स्ट है क्वेश्चन कोहलबर्ग की थ्योरी से देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो देखेंगे इसके लिए, द थ्योरी हैज एलाबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट, इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन, या नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। या थर्ड है, हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसफर्स, कि उनका विश्वास है कि बच्चे जो है एक नैतिक दार्शनिक होते हैं, उनकी तरह सोचते हैं। नहीं जी, ये तो रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। देखो नॉर्मल सी बात है ना जी, जैसे जैसे ज्ञानात्मक परिपक्वता होती चली जाएगी वैसे वैसे नैतिकता की समझ भी बच्चे में विकसित होती जाएगी, मीन्स मॉरल मैच्योरिटी भी बच्चों में आती चली जाएगी, नैतिक परिपक्वता भी आती चली जाएगी। दो क्वेश्चन अपने पेंडिंग है, इनको भी देख लेते हैं और इसी के साथ अपनी ये डिस्कशन भी कंप्लीट होगी। The zone of proximal development refers to, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, किसे करता है जी? तो देखना होगा ऑप्शंस यहाँ पे कौन सी ऑप्शंस राइट रहने वाली हैं। फर्स्ट है, the developmental phase when child takes place responsibility for learning, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। नहीं जी, ZPD में क्या होता है कि बच्चा दूसरों की हेल्प से सीखता है, तो सेल्फ लर्निंग तो उसमें नहीं होने वाली, सेल्फ एफर्ट्स उसमें नहीं होंगे, ये तो रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट है, अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन एंड विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ
कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल यही एक ऑप्शन राइट होगी, जहां पे आप बच्चों को सपोर्ट दे रहे हैं एंड वो बच्चे जो कार्य है वो खुद कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ, जो है आप बोल सकते हैं सपोर्ट, या विद द हेल्प या सपोर्ट बोल सकते हैं, या विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। एंड्रोजाइनस पर्सनैलिटी एक उभयलिंगी व्यक्तित्व के लिए आप कौन सी बात राइट ठहराने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगी, हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स, कि में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल राइट थी। तो इसी के साथ अपनी जो है डिस्कशन भी कंप्लीट होती है सीटेट के जो है पेपर्स की, जो 2018 वाले पेपर की, जो दिसंबर में पेपर 1 हुआ, तो उसकी डिस्कशन अपनी कंप्लीट होती हुई। बाकी कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे हम जो है नेक्स्ट सीटेट का पेपर जो है डिस्कस करने जाएंगे, वो पेपर 2 वालों के लिए रहेगा। तो ठीक है जी, मिलेंगे। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाना ही है, एंड मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस फ्यूचर में मैं लाने ही वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय।